जब तक करो बेइज्जती ते माफी नहीं ना मंगी जाती, उन्होंने कुछ नहीं खाना पीना। तो फोन कर दे, नहीं तो अमर ने बाद चो यह कहना भी मम्मी की सेहत खराब सी ते तुसी मैनू दस्या भी नहीं। मैं डॉक्टर थोड़ी हाँ, मैनू की पता की होया मम्मी नू। तेनू इस गल नाल की मतलब, तू तो जो चाहती सी ओ हो गया। मैं तुहाडे सारे तो कन्न फड़ के माफी मंगदी आ। मिर्ज़ा आ की करदी पई है तू? मैं ते तो कुछ पुछदा पिया, जवाब देंगी की हो रहा सीगा है? देव मैं मम्मी डैडी दे थां ते माफी मांग रही सी। मम्मी डैडी दी थां ते माफी? हाँ देव माफी, मैं डैडी नूं नहीं कह सकदी भी ओह आके माफी मांग लैण, ते ना उन्होंने माफी मंगनी आ, इस करके मैं सारे तो माफी मांग रही सी। कन्न खोल के सुन लो सारे जाने, इन्हें किसे तो माफी नहीं मंगनी। ले हुण इन्हें टंगड़ा की आके, हजे तो मैं नक दियां लकीरां कढ़ाउणियां सी। देव तुसी मैनू मम्मी तो माफी मंग लैण दो, मम्मी दी हालत दिन ब दिन खराब हुंदी जा रही है ते मेरे तो उन्हां दी ये हालत देखी नहीं जांदी। मैं तैनू मना कीता सी ना, की होया मम्मी दी हालत नू? चंगे भले ठीक तो है गे ने। देव वीरे मम्मी की हालत ध्यान नाल देख, उन्हां दी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तू माफी मंग लैण दे इहनू, मसां तां मम्मी ने जिद छड्डी आ मिंदो दे प्यो वाली। नहीं इहने कोई माफी नहीं मंगनी। ओ रोजी तेरा किदां दा सुभा, मेरी तां समझ तो बाहर आ, मां प्यो दी कीती दा ओ तो कदे बदला लैंदे हो, मिंदो दा बेचारी दा की कसूर आ? कसूर तो इन्हों ओदा ही लगता, तो मनप्रीत तू तू रोक नहीं सी सकती, तू इत्थे बैठी की करदी आ? वीरे मेरा की कसूर आ, मेरा तो इन्होंने मूँह बंद किया होया, जे मैं बोलदी हाँ ता भी माड़ी वजदी हाँ, जे नहीं बोलती ता भी माड़ी वजदी हाँ, मैनू दसो मैं की करा? ठीक आ मनप्रीत, अज तू चुप रह के माड़ी बनी आ, जे तू मिंदो दे हक च बोलदी ना ता तू बेशक इन्हां दी नजरां च माड़ी बन जांदी, पर मेरे लिए तू चंगी रहना सी, पर हुण हुण तू मेरियां नजरां च नहीं माड़ी है। ते गगन तू तू कहते चुप आ, और तू तो मिंदो नूं समझदी है ना, पढ़ी लिखी है, गलत ते सही च फर्क दा भी पता, फिर तू चुप करके क्यों देखी जानी है सारा कुछ, बोल हुण चुप क्यों आ? देखो वीरे ये मिंदो दीदी ते मम्मी जी की आपसी गल है, मैं इहदे विच कुछ नहीं बोल सकती। बोल नहीं सकती मतलब? वीर जी मम्मी जी तो माफी मंगना ये मिंदो दीदी का फैसला, ते मिंदो दीदी नू माफ करना ये मम्मी जी का फैसला, मैं इहदे विच की बोल सकती हाँ? नाले वीर जी मेरे व्याह नू हले थोड़ा ही टाइम होया है, मैनू इस मामले विच घड़ीसन की कोई लोड़ नहीं, मैनू इस तो दूर ही रखो ते मैनू खुश रह लैन दो। वाह वाह भैने, घर का एक होर मैंबर अपने नाल रला लिया तुसी, बहुत बहुत मुबारक हो जी थोनू, घर का एक होर मैंबर नाल आ गया थोड़े, थोड़ी जित हो गई, जिन्ना मर्जी जित लो पर थोड़ी इस हरकत करके ना तुसी अपना पुत अपने तो दूर कर लिया। चल मिंदो हुण नहीं आपां इत्थे रहना, आपां कितें होर रहांगे। रुक देव इन्नी छेती ना जा, हजे मिंदो की माफी पूरी होनी है, मिंदो ने माफी मंगी सी पर मैं उन्हें माफ कीता नहीं, मिंदो दोबारा माफी मंग। मम्मी थोनू भोरा जिनी शर्म नहीं आती, तुसी की कहने पे हो, घर दे बड़े हो
इहदा मतलब इह नहीं गा तुसीं कुछ भी करी जाओगे। मैं भी किहदे नाल सिर खपाई करदा, क्योंकि तुसीं किसे दी मन्ननी तां है नहीं, करनी तां तुसीं अपने मन दी आ। देव तू बोलदा किवें आ, तू इह ना भुल मैं तेरी मां। ओ मैनू पता मेरी मां हो तुसीं, ते तुसीं जिद्दी भी बहुत हो, पर अज एक जिद मैं भी करन लग्या। आ जिहड़ा सारा कुछ हुणे इत्थे ड्रामा होया ना, इहनू गोडियां ते बिठा के माफ़ी मंगाई आ सारिआं तों, ते सारे पिछे मेरी वड्डी भैण रोजी दा हत्थ। माफ़ियां मंगवाउण दा बहुत शौक है ना भैणे तैनू, हुण मेरी जिद सुण, हुण उसे तरह तूं मिंदो तों माफ़ी मंगेगी। जे ना मंगी ना तां मैं मिंदो नूं लै के इस घर चों हुणे चलिआ जाणा। आ की वीरे मैं माफ़ी मंगा, ओ भी इहदे तों इह नहीं हो सकदा। करना पैणा ए, हुण तूं देख भैणे तूं माफ़ी मंगनी आ या नहीं मंगनी। मैं अपनी जिद दसती। आ की जिद्दा? जिद्दा बस एवें जिद्दा, मैं देखना मेरे घर दे मैनू किन्ना कि प्यार करदे आ। हुण तूं दस माफ़ी मंगनी आ या मैं जावां तैनू अपना भरा प्यारा या अपना घमंड। देव तू कुछ ज्यादा ही अड़ियां करदा, पर मेरी धी ने नहीं माफ़ी मंगनी। जे तू नहीं रहना नारा तू जा सकदा। मम्मी आ तुसी की कही जाने हो? चुप कर, ओ जे इन्हें जाना तां इन्हें जान दे। जद बंदे दे सिर ते छत नहीं ना हुंदी ते इन्हें आपे पता लग जू भी घर बनाउणा किन्ना औखा। जा जा तू, तैनू नहीं कोई रोकदा। वाह मम्मी, मैनू इह सी भी होर किसे नू दुख होवे चाहे ना होवे, पर मेरे जान दी गल ते थोनू जरूर दुख होऊगा, पर थोनू तो कोई फर्क ही नहीं पैंदा मैं इत्थे रहूं जां ना रहूं। जवाब तां मम्मी तुसी ऐ दित्ता जिवें तुसी तैयार ही बैठे सी भी मेरे मूहों कोई इहो जिही गल निकले ते मैनू घरों बाहर कढो। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਮਨੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮਿੰਦੋ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਵ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਵੀਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਖਿਸਕ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਅਮਰ ਵੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਘਰ ਬਿਖਰ ਜੂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਠਾ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੇਵ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰੋਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਮੈਂ ਦੋ ਤੋਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਾ ਮੰਨੀ ਕੰਨ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇਰੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਐ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਚਪੇੜ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆ। ਮੰਮੀ ਕਾਸ਼ ਆਹੀ ਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ।
मम्मी आप तो उसी नौ दी मां बन नहीं सके, ना ही अपनी नौ नू कदे धी समझिया। की चाकी जानी आ तेरे वर्गियां घर पटदियां ने जो हद तो वध अपने पेके घर च दखल अंदाजी करनी आ। भरा भरजाई सारी उम्र तक वरतदे ने पर तेनू कौन समझावे, तेरे को तो समझ नू दिमाग ही नहीं हैगा। वह मनप्रीत वाली देख ला, वो तो ही कुछ सीख ला, उन्हू कितनी तकलीफ हुंदी आ किते उहदा भरा घर छड के ना चले जावे, पर तू उहदा ढीठ हो के खड़ी आ। वह नण दा नोहा तो आस रखदियां ने कि साडी मां नू चंगा समझे, पर अपनी मां नू भी समझाओ कि अपनी नूह नू भी चंगा समझे। आ गए वड्डे समझाउण वाले, चल माफी मंग मैनू दो तो, नहीं मैं तेनू छड के चले जाणा, ये मेरी जिद आ। मिंदो मैं तो जो कुछ भी बदकट बोलिया गया मैं उहदे लई तेरे तो माफ़ी मंगदी हाँ। दीदी ना तुसी माफ़ी ना मंगो, कोई गल नहीं, गलतियां भी तो इंसानों तो ही हुंदियां ने। देख लिया फर्क, ये फर्क समझदारी दा जो तेरे च है नहीं। पर मेरे इथे ना होने करके मैं आया ते तेरा मुंह उतर गया। की कही जाने हो, थोड़े इथे ना होने करके मैं खुश क्यों होना, वो तो मैं सुत्ती पई सी, सुत्ती उठिया ना तां थानू इदां लग रहा। छड मैनू इह दस मम्मी नू की होया, तू फोन ते कहंदी सी कि मम्मी ठीक नहीं हैगे। हाँ जी उस टाइम नहीं ठीक सी पर हुण मम्मी ठीक ने। गगन तू मेरे तो कुछ लुकाउनी पईआं ना, मैनू साफ पता लग रहा, मैनू खुल के दस की गल आ। मैं हुण की दसां जी, थोड़े जाण तों बाद घर च बहुत कुछ होया। की होया घर च? ओ जी थोड़े जाण तों बाद मिंदू दी ते मम्मी डैडी आए सी ते मम्मी जी दी उन्हां नाल बहस हो गई ते फिर मम्मी ने रोटी खानी छड्डती ते रोटी ना खाण करके ओ बेहोश हो गए, तां करके मैं थोनू फोन कीता सी। घर दे विच इन्ना कुछ हो गया ते मेरे कोल किसे ने कोई गल भी नहीं कीती। हाँ जी हाँ जी तुसी हुणे ही कर दिओ, मैं अकाउंट नंबर तुहानू भेज दिंदा। ठीक है बस कर दिओ जी। हाँ ओके जी। ओ मेरी गल सुन, दवाई खाधी है तैं? हाँ जी दवाई तो मैं ले ली सी। ठीक है मैनूं एक गल करनी सी मैं तेरे नाल, जिहड़ा मेरा सोने वाला कड़ा ना तेरे कोले ओ दे दे। कड़ा? हाँ ब्याह वाला कड़ा। पर वो की करना तुसे? यार की दसा, जे मैं इलाज लई घरों पैसे मंगे तो तेनू पता 3600 गल्लां करनगे, की करना जी पहला बहुत करके देख लिया नहीं हो होर पैसे नहीं लगने, ते जे मैं कम चो कढे तां वी कहणगे, पता तो लग जाना उन्होंने भी कम के पैसे निकले ने, इस करके मैं सोचा भी मैं कड़ा बेच के दवाई ले आना, ये कम से कम महीने की दवाई तो आ ही जाऊगी ना, अगले महीने की अगले महीने देखा। एक महीना? हाँ तुम्हें पता डॉक्टर ने की कहा लखा के खर्चा होना, पर कड़ा तो इन्ने का है नहीं, आप इन्ना खर्चा कितों करेंगे। ओ यार जे मैं हाथ ते हाथ धर के बह जूंगा कुछ करूंगा ही नहीं फिर हल किवें होऊगा, अगले महीने की तू पहला टेंशन पाई जा, वो मैं हैगा ना यकीन रख मेरे ते, मैं कोई ना कोई हल करूंगा। आ महीने का तो तुसी कड़ा बेच के कर लोगे, अगले महीने का भी कर लोगे, फिर वो तो अगले महीने, फिर वो तो अगले महीने, थोनू पता 6 महीने इलाज चलना किवें मैनेज करूंगे।
यार डॉक्टर की एक गल सुन दी हाँ, बाकी गल्लां तू सुन दी नहीं। डॉक्टर ने यह भी कहा सी कि हो सकता 2 महीने दे विच ही उम्मीद बन जावे, भुल गई। चल हुण लेट ना कर, मैनूं जा लैण दे यार। तुसीं मेरी गल मननी नहीं? नहीं, दे जिहड़ा तैनूं मैं कम कहो कर। ले ले। मेरी इन्नी बेइज्जती कीती, एक किवें बर्दाश्त कर लवां मैं? मेरी धी ने इस बंजड़ तो माफी मंगी, ऐ किवें जरा? ये तो अनर्थ हो गया। चंगा मम्मी, मैं चलदी अपने घरे, जे कोई गलती हो गई होवे तो मैनू माफ करियो। गलती चली किहदे नाल? मम्मी अमर छड़ के आ रहा। चल चंगा, चली जा। ठीक है मम्मी, मैं जानी हूं। मम्मी ने झूठे मुंह मैनू एक बार नहीं कहा भी मनप्रीत पुत तू ना जा, वो मेरे भी कोई शगन विहार बनते ने। अक्सर नू मैं अपने भरा दे विआह ते रह के चली हाँ। मम्मी की इस आकड़ ने ते झूठी शान ने ना एक दिन उन्होंने अपने तो दूर कर देना। गगन की होया, मेरे ना गुस्सा किसे गल दा? गगन तेरे मेरे विचकार तो कोई गल भी नहीं हुई इदा दी, फिर तू का ते मुंह मोड़ लिया। मैनू फालतू दे सवाल ना करो, मेरे कमरे च की करन आए हो ये दसो। मैं तो तेनू मिलन आई सीगी। की गल, हुण मैं तेनू मिलन भी नहीं आ सकती? पहली गल, मैं थोड़े नाल गल ही नहीं करनी, थोड़ा तो नित का ही कलेश आ, मैं थोड़े करके नित सिंह नहीं फसा सकती। ते दूसरी गल, ये मेरा कमरा, तुसी इत्थे ना ही आओ ता ही चंगा। पर क्यों गगन? मेरे कोल थोड़े सवालों के कोई जवाब नहीं है। एक बारी कहता ना मैनू बुलाया ना करो, तुसी अपने राह चलो ते मैनू अपने राह जान दो। आ बने थोड़े मुरे हाथ, मैनू जी लैन दो।